राजकीय उच्च माध्यमिक सुहास नगर विद्यालय के शारीरिक शिक्षक सुनील कोईवाल इस कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर में लगाई गई, जहां हमने मरीजों के लिए खाना पानी की व्यवस्था के साथ संभाल रखी है। वहीं मरीजों को कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए समय समय पर मरीजों को उनकी आवश्यकता अनुसार सामग्री की पूछताछ भी करते रहे एवं उनको मनोरंजन भी कराते रहे। ये भी बताया जा रहा है कि सुनील कोईवाल विद्यालय स्तर पर बच्चों के द्वारा विद्यालय में पेड़ पौधे लगाए, जिन्होंने बताया कि हमें एक साल में कई विभिन्न प्रकार के विद्यालय में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। वहाँ हमारे विद्यालय में हरा भरा लगने लगा है। वहीं विद्यालय में बच्चों के खेलने की व्यवस्था नहीं थी, तो वहीं कोईवाल ने प्रिंसिपल से गुहार लगाकर खेलने की स्कूल व्यवस्था भी कराई और इसके निरंतर प्रयास से इनके विद्यालय में बच्चे राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर पर खेल चुके हैं। भीड़वाड़ा व राज्य व देश का नाम रोशन भी किया एवं बच्चों को देशभक्ति करुणा अपने जीवन को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए जिसके बारे में बच्चों को हमेशा बताते रहे और बताते रहेंगे, ऐसे ही कुछ कहा आरजीसी न्यूज के संवाददाता पवन बागी से खास बातचीत करते हुए। आरजीसी न्यूज आपका स्वागत करता है। आरजीसी न्यूज हमेशा आपको लगातार कोरोना योद्धाओं का कहानी बताता रहा, कहीं उत्तर प्रदेश से, कहीं उत्तराखंड से, कहीं दिल्ली से और राजस्थान से, हम भीलवाड़ा से आपको कई कहानियां बता रहे हैं कि किस प्रकार कोई समाज सेवक आपके बीच में सेवाएं दे रहे हैं और किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे बीच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर के शारीरिक शिक्षक श्री सुनील जी सर से हम आज बात करेंगे कि उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में कैसे अपने समय व्यतीत किया और किस प्रकार से वो लड़े, और आज उनसे हम ये बात जानेंगे। सर, आज हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार आपने क्वारंटाइन सेंटर में जो सेवाएं दी उसके प्रकार सेवा के रूप में उनकी छोटी सेवाएँ थी, चाय वगैरह खाना वगैरह पिटी वगैरह करके मरीजों तक पेशेंट तक हम खाना पहुँचाते थे, चाय पहुँचाते थे और नियमित रूप से उनसे बहुत अच्छे वार्तालाप करते थे। उनको समझाते थे भाई कि डरना भी नहीं है आपको, इससे लड़ना है, हिम्मत रखनी है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप इससे सहकुशल वापस स्वस्थ हो सकते हैं। का सेंटर बना दिया गया, जहाँ अभी वर्तमान में 36 पेशेंट कोरोना से प्रेषित जो पॉजिटिव हैं अभी नियमित रूप से चल रहे हैं और तब जरूर हम लोग उनके साथ पास भी जा रहे हैं। सारा चिकित्सीय स्टाफ ही वो उनको खाना वगैरह चाय वगैरह दे जा रहा है, लेकिन हम लोग उनकी पूर्ण चाय वगैरह की खाने की सेवाएँ कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इस कोरोना से हमें डरना नहीं है, एक तो अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी है। आम पब्लिक की अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक तो नियमित रूप से व्यायाम करें और जहाँ तक संभव हो अपने आयुर्वेदिक की पानी का इस्तेमाल करें, घर पर ही बनाएं। और क्योंकि अभी संसार में वैक्सीन बनी नहीं और वैक्सीन बनने में शायद साल के साथ लग सकता है, कुछ राज्य इसका जल्दी बनाने के लिए उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन अगर बन भी गई तो सभी व्यक्तियों तक उसका बनना और पहुँचना मुश्किल होगा। इसलिए अभी फिलहाल हमें जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मिलती है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है हम लोगों की, सभी की, आम जनता की, कि भाई आप स्वयं जो हिदायतें दी गई है सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा आप अपनी हिदायत को माने। जैसा कि हमें मास्क हमेशा नियमित बांधे रखना है और दूरी पूरी बराबर रखनी है और आवश्यक होने पर आप घर से बाहर निकलें और हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करें। आप अगर ये काम करेंगे, इन हिदायतों को मानेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना आपके पास कभी नहीं आएगा। और फिर भी अगर किसी कारण से कोरोना से घर से बचाते हैं तो मैंने कई बड़े बड़े विशेषज्ञों का, बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को मैंने न्यूज़ देखा है, हमेशा वो यही बता रहे हैं कि आपको इसे डरने की जरूरत नहीं, इसे लड़ने की जरूरत है। तो आप लड़िए, इसे डरिए नहीं। कोई आप लोगों ने देखा होगा पहले स्पेनिश फ्लू लगभग 1720 में भी फैला था, उसमें करोड़ों लोग मरे थे, जबकि आज ये स्थिति पूरे संसार में अभी तक 2-3 लाख तक ही है। तो इसका मतलब स्पेनिश फ्लू कितनी ज़्यादा गंभीर बीमारी थी
में हमारे इंडिया में से 1.8 करोड़ आदमी मरे थे, अभी तो हमारे 1.8 करोड़ घोषित भी नहीं है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम सावधान और सतर्क रहेंगे निश्चित रूप से इस महामारी से भी हम पार पा लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आप जो आज ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपके मन में कोई थोड़ा सा ऐसा कुछ लगा? हाँ, निश्चित रूप से शुरू में हमें 3-4 दिन तक भय लगा, ऐसा नहीं होगा हम लोग घोषित हो जाए, लोग सामाजिक बहिष्कार का चांस हो जाएगा, क्योंकि लोग इससे डर रहे हैं, क्योंकि भाई यार जो भी घोषित होता है उनसे वो दूरी बनाते हैं। लेकिन शुरू में 1-2 दिन 3 दिन तो लगा, फिर उसके बाद हम समझ गए कि इसमें तो कोई ज़्यादा ऐसी बोली वो दम वाली बात नहीं है, सावधानी और समझदार रखें। हम तो पेशेंट के पास बीच में भी जा रहे थे, जबकि अमूमन ये कहा जाता था कि भाई आप थोड़ा दूर रहें, हमने दूरी भी रखी ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी रखते हुए हम उनके पास जा सकते हैं, प्रेम से बात कर सकते हैं। हमने की कई मरीजों से, अभी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले एक बच्चा 3 साल का जो हमारे महाप्रज्ञ सेंटर्स में था, नेगेटिव था, उसके बाद चले गए, उसके पिताजी भी चले गए, वो बाहर से आए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद पुनः उसकी जानकारी मिली कि वो पॉजिटिव था, और फिर उसके पिताजी भी पॉजिटिव थे, कुछ 1-2 दिन बाद फिर उनकी माँ और उसकी बहन भी पॉजिटिव हो गई, वो हमारे सेंटर पर थे क्वारंटाइन सेंटर पर, और हम तो उनके बाद बहुत अच्छे से जाते थे, बातचीत भी करते थे, लेकिन हम बिल्कुल अभी भी पूर्ण स्वस्थ हैं। निश्चित रूप से कहने वाला, हमने दूरी रखी, समझदारी रखी, सावधानी रखी, तो हम इससे बच सकते हैं और लड़के जीत सकते हैं। बीच बीच में कई जनों के इंटरव्यू आ रहे हैं जो कोरोना से ग्रस्त थे, 5 दिन में 8 दिन में हम इससे जीत सकते हैं, तो आप भी लड़िए और संघर्ष करिए, जीते और डरिए नहीं, इसे खूब दिखाना है। आपका भी अभिवादन करता है कि आप जिस तरह लोगों से लड़ रहे हैं और जिस तरह आपने समझदारी रखकर कार्य कर रहे हैं, आपको आरजेसी न्यूज़ सलाम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट फिर वागी साथ।